खबरी और इकदाम कत्ल के मुजरिम को 7 साल की कैद और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। आज जज के आर नागराज ने चोरी करने और इकदाम कत्ल करने के एक मुजरिम को 7 साल की कैद की सजा और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जराये ने बताया कि जिले के सिंधनूर शहर में वाक़ आदर्श कॉलोनी में वनीता शेट्टी नाम की खातून के घर में घुसकर 2015 के अप्रैल 7 की रात 10:15 बजे मुजरिम ने उनके मकान से सोना चुराया और उन्हें चाकू के जरिए मारने की कोशिश की। वनीता शेट्टी के चिल्लाने पर आसपास के लोग जमा हो गए और मुजरिम पकड़ा गया। इस सिलसिले में सिंधनूर पुलिस स्टेशन के PSI बालन गौड़ा और CPI रमेश ने चार्जशीट तैयार की, जिस पर आज ये सजा मुजरिम चंद्रशेखर को सुनाई गई। मुजरिम चंद्रशेखर को 7 साल कैद की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई गई। गैर मुस्तहकीन को BPL कार्ड वापस करने की हिदायत। हुकूमत कर्नाटका ने एक एलामिया जारी करते हुए जिले के तमाम गैर मुस्तहकीन अफराद से अपने अपने BPL कार्ड महकुमा अगजिया में सरेंडर करने की हिदायत दी। इस एलामिया में कहा गया है कि बाज़ एक सरकारी ओहदेदार, सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत के बोर्ड कॉरपोरेशन में काम करने वाले, यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले बाद मुलाजमीन ने भी अपना BPL कार्ड बनाया है, जो कि सरासर गलत है। BPL कार्ड सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिलो पॉवर्टी लाइन की जिंदगी गुजार रहे हैं, जबकि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह इतनी होती है कि वो अबव पॉवर्टी लाइन है। लिहाजा ऐसे अफराद जिन्होंने BPL कार्ड के अहल ना होने के बावजूद BPL कार्ड बनाया है, वो अंदरून एक माह अपना BPL कार्ड महकमे अगजिया में सरेंडर कर दें। बसूरत दीगर एक माह के बाद अगर कोई सरकारी मुलाजिम BPL कार्ड याफ्ता मिला तो उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाएगा और उससे जो हुकूमत को नुकसान हुआ वो वसूल किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स यानी फुटपाथ पे तिजारत करने वाले छोटे ताजरीन के लिए कर्जों की सहूलत। प्रधानमंत्री योजना के तहत बीदी व्यापारी यानी फुटपाथों पर बंडी वगैरह रखकर कारोबार करने वाले छोटे ताजिरों को खर्जात की सहूलियत दी जा रही है। इस योजना के तहत 1 जुलाई से दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इन छोटे ताजिरों को 10,000 रुपए खर्च की सहूलियत दी जाएगी और खर्च को शरायत के लिहाज से हर माह जमा करने वाले और उसको पूरा अदा करने वाले ताजरीन को 7% सूद का इमदादी रकम भी दी जाएगी। जराये ने बताया कि 15 जुलाई तक ये दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। इस सिलसिले में मजीद तफसीलात के लिए बल्दिया कमिश्नर से भी रब्त किया जा सकता है। रायचूर जिला सरकारी ड्राइवर्स वेलफेयर एसोसिएशन के जराये ने बताया कि 5 जुलाई 2020 बरोज इतवार की सुबह 11 बजे 2 मौजिफ ड्राइवर्स के लिए विदाई जलसा मुनक्किद किया जाएगा। जराये ने बताया कि सीनियर ड्राइवर जो कि जिला पंचायत के में कार चलाते हैं नजीर अहमद और बल्दिया में कार चलाने वाले नवाब अंसारी, ये दोनों 30 जून को रिटायर्ड हो रहे हैं। इनके रिटायरमेंट के सिलसिले में इनके लिए एक विदाई तकरीब का इनेकाद 5 जुलाई को किया जाएगा। मास्क ना लगाने पर और सोशल डिस्टेंस मेंटेन ना करने पर अब पुलिस महकमे ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू कर दिया है। मास्क ना लगाने वालों पर गुज़िश्ता 3 दिनों से शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर महकमे पुलिस ने मास्क ना लगाने वालों पर जुर्माना आयद किया और उन्हें मास्क लगाने की हिदायत दी। इसी तरह सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं करने वाले होटलों और इदारों के मालिकान को भी गिरफ्तार किया गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। शहर के कोर्ट के करीब वाकया कुछ होटल्स और बिलबेस नगर रोड पर दरगाह के करीब वाकया होटल और बेकरी के मालिकीन को कुछ वक्फे के लिए कार्रवाई की गई। लिहाजा आवाम से अपील है कि वो सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करें और जब घरों से निकले तो अपने चेहरे पर मास्क भी लगा लें।